ये जानकारी से बिल्कुल साफ हो जाता है कि चंदा दो धंधा लो, बिल्कुल साफ है। जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उन्होंने भारी मात्रा में इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। जिन कंपनियों की प्रशंसा नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में किया है वही बड़े चंदादाता निकले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। तो पहला चंदा दो धंधा लो, ये बिल्कुल साफ है। दूसरा हफ्ता वसूली, बिल्कुल साफ हो गया है इस लिस्ट से कि जिन जिन कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़े गए हैं, आरबीआई छोड़ा गया है, सॉरी आईटी छोड़ा गया है, सीबीआई छोड़ा गया है, वही कंपनियां भारी मात्रा में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो हफ्ता वसूली, पहला चंदा दो धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली। तीसरा बिंदु जो है जो बिल्कुल साफ हो जाता है इस लिस्ट से कि ऐसी कंपनियां हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिनको काम मिला है, ठेके मिला है, टनल का, ब्रिज पुल का, हाईवे का, सड़क का, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कुछ ही महीने बाद ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। और चौथा ये शेल कंपनी, खोखले कंपनी जो होते हैं इसका भारी इस्तेमाल किया गया है। इन खोखले कंपनी के असली मालिक कौन है हमें पता नहीं है, हम अनुमान लगा सकते हैं, पर इस खोखले कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए हैं और इसका भारी लाभ बीजेपी को भी मिला। तो पहला चंदा दो धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली, तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट लो और पैसा दो यानी कि किकबैक, सीधा घूस, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो मैं आपको बॉन्ड खरीदूंगा, आपको पैसा मिलेगा। और चौथा ये जो खोखले कंपनी से चंदा आ रहा है ये भी साबित हो जाता है। अब सवाल उठता है कि कल की जानकारी के आधार पर आप ये नहीं कह सकते इस बॉन्ड से बीजेपी को पैसा मिला है, इस बॉन्ड से कांग्रेस को पैसा मिला है, इस बॉन्ड से एनसीपी या शिवसेना को पैसा मिला है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए उन्होंने कहा है कि बॉन्ड के जो बॉन्ड का जो नंबर होता है उसको भी आप प्रकाशित करने की जरूरत है। मैं समझता हूं एक दो दिन में बिल्कुल साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने बॉन्ड खरीदा और उस खरीद से कौन सी पार्टी को फायदा हुआ, ये बिल्कुल साफ हो गया। पर एक चीज मैं कहूं, आप लोग सवाल पूछेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दूं क्योंकि मैं जानता हूं आपका आपके मन में क्या गुजर रहा है, आपके सवाल कैसे उठते हैं। आप कहेंगे पर इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ, बीजेपी को 6000 करोड़ रुपया मिला और आपको 1400 करोड़ रुपया मिला, ये बात सही है, हम इनको इनकार नहीं कर सकते, हम पीछे भाग नहीं सकते। पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है, हम किसी को धमकी नहीं दे सकते, डरा नहीं सकते। और दूसरी बात, हम बड़े बड़े 10 साल से हम सत्ता में नहीं है, बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बंदरगाहों के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट हवाई अड्डों के प्रोजेक्ट हम नहीं दे रहे हैं, मोदी की सरकार दे रही है। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सके। यही है बीजेपी और कांग्रेस
के बीच में अंतर।